सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो, अभी तक जिंदा हो कर्नल? कौन हो तुम? अपने काम से काम रखो कर्नल। क्यों फटे में टांग अड़ाते हो? इस बार तो तुम जिंदा बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। इस हमले से एक बात तो साबित हो गई कि बॉम्ब ब्लास्टिंग की प्लानिंग दीनानाथ जी को उड़ाने के लिए की जा रही है, और वो लोग ये भी जानते हैं कि आप दीनानाथ जी के घर उन्हें वॉर्न करने गए थे। चिन्ना, लेकिन दीनानाथ जी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उन्हें अपने शागिर्द इंद्रनील पे जरूरत से ज्यादा भरोसा है। कर्नल, अपना तो बैड लक ही खराब चल रहा है। अगर उस आलिशान क्लब से एक आध पंटर भी अपने हाथ लग जाता ना, तो सारा काम आसान हो जाता। क्या कर? तुम शायद उस मिनी कैमरा को भूल रहे हो मिस्टर शाकाल। इकबाल, अरे हाँ, वही वही जिससे शीना ने उस आदमी की तस्वीर खींची थी जो फोन पर सारी प्लानिंग कर रहा था। उसकी डेवलपिंग और प्रिंटिंग होकर आ गई है। पर हैरानी की बात तो यह है कर्नल साहब कि उस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। एक मिनट, तो इंद्रनील है, दीनानाथ जी का शागिर्द और वारिस। कहिए कर्नल, आपको कुछ पता चला उन लोगों के बारे में जो मुझे मार डालना चाहते हैं? जी हाँ, उस आदमी की तस्वीर साथ ले आया हूं जो ब्लास्ट करवाना चाहता है। मुझे यकीन है आप उसे जरूर पहचान लेंगे। हेलो,
आपका मतलब इंद्रनील मुझे मार डालना चाहता है? जी इंद्रनील मेरी जान क्यों लेना चाहेगा? हाँ, आपकी जगह लेने के लिए आप ही ने तो उसे अपना वारिस बनाया है, आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी। लेकिन कर्नल, आप ही कैसे कह सकते हैं कि इंद्रनील इन्हें मारना चाहता है? क्या सबूत है इसका आपके पास? ये तस्वीर सबूत है मेरे पास। ये उस वक्त खींची गई है जिस वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था। उसकी बातचीत का एक एक लफ्ज मेरे पास रिकॉर्ड किया है। ये सारा षड्यंत्र उसने रचाया है। किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं कर्नल साहब? वही षड्यंत्र जो तुम रचा रहे हो इंद्रनील। हाँ इंद्रनील, कर्नल का कहना है कि तुम इन्हें मारने की साजिश कर रहे हो। मैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं दादा? आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, लेकिन ऐसा घिनौना आरोप मुझ पर मत लगाएं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। उसके नाटक में मत जाइए दीनानाथ जी, याद ही मक्कार है। कर्नल, शायद आप नहीं जानते, इंद्रनील ने अपनी जान पर खेलकर इनकी जान दो बार बचाई है। वो कैसे कर सकता है ये? सत्ता का लालच कुछ भी करवा सकता है कमला जी। क्या चाहते क्या हैं आप? हमारे बीच में फूट डालकर हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं? बताइए, किसने भेजा आपको? ये ओपोजिशन वालों का षड्यंत्र है। मेरी वफादारी को इस गंदी राजनीति का शिकार मत बनाइए प्लीज। तुम बस कर्नल बस। मुझे लग रहा है कि या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर आप हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रनील कुछ भी कर सकता है, मगर मेरे साथ वो विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन आप जा सकते हैं कर्नल। ठीक है, चलता हूं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर याद दिलाऊंगा, विश्वासघात वही आदमी करता है जिस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास किया जाए। इसका मतलब यह है कर्नल साहब कि आलीशान क्लब का मालिक इंद्रनील ही है जो नेतागिरी की आड़ में सारे काले धंधे कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये इंद्रनील बहुत काइया और मक्कार आदमी है। उसने दीनानाथ जी और उनकी पत्नी को इमोशनली ऐसा ट्रैप किया है कि वो लोग उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं पसंद करते। इस इंद्रनील को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता क्यों नहीं है शीना? करण, मैं तो बोलता हूं कि उस शाने को अपन अंदर बंद कर देते। थोड़ा खर्चा पानी देंगे ना, सारी शानपति निकल जाएगी उसकी। ये तो प्रॉब्लम है इकबाल। इंस्पेक्टर जादव का कहना है कि बिना दीनानाथ जी के कंप्लेंट के या बिना किसी तगड़े सबूत के वो उसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो वो लोग पॉलिटिकल इशू बना देंगे इसे। तो क्या हम खामोशी से हाथ पर हाथ धरे बॉम्ब ब्लास्टिंग का इंतजार करते रहेंगे? यही तो ट्रेजेडी है मिशीना, कि हमारे देश का कानून आम तौर पे जुर्म होने से पहले किसी को नहीं पकड़ सकता। मुजरिम तभी पकड़ा जाता है जब वो जुर्म कर चुका हो। Am I right, Colonel? नहीं दबा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंद्रजीत जैसे आदमी को कानून का मजाक उड़ाने नहीं देंगे। एक बात बोलूं कर्नल, मेरे को नहीं लगता कि सारे कांड का गेम प्लान उसने बनाया होगा। तो शक्ल से ही बहुत मामू लगता है, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ काम कर रहा है, तो पक्की बात है। शायद ऑपोजिशन का या शायद कोई अपनी ही पार्टी का। मैं पूछता हूं, ये कर्नल अब तक जिंदा कैसे है? तुझे पता है ना, वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, मेरे बारे में, ब्लास्ट के बारे में,
कि हम कब और कहां ब्लास्ट करने वाले हैं? सब कुछ। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो बहुत चालाक और फुर्तीला है सर जी, एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं कि उस पर काबू कर सके। तो क्या पूरी की पूरी फौज भेजनी पड़ेगी? एक एक आदमी को खत्म नहीं कर सकते तुम लोग। अब उसको मारना बहुत ही मुश्किल हो गया सर जी, वो चौकन्ना हो गया और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ कि हमें प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर देते हैं। अरे जो ब्लास्ट हम कल 23 दिसंबर को कर सकते हैं, वही ब्लास्ट हम 26 जनवरी को भी तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा सुनहरा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ब्लास्ट कल ही होगा। लेकिन कैसे सर जी? वो कर्नल का बच्चा बम को ढूंढ निकालेगा और हमारे प्लान पे पानी फेर देगा। वो बम नहीं ढूंढ पाएगा जगताप, क्योंकि वो बम नारी कल्याण केंद्र के अंदर तलाश करता रहेगा, जबकि बम होगा बाहर, ठीक वहां जहां रिबन लगा हुआ होगा। बिल्कुल इस तरह। जैसे ही इस रिबन से कोई भी लोहे की चीज या कैंची टच होगी, बस एक धमाका और रिबन काटने वाले के चीथड़े उड़ जाएंगे। चीथड़े। हाँ दादा, उसी के बंदोबस्त में लगा हुआ हूं। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये चल सुनिए, मुझे पता है आज आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सोच लिया कि रजनी की गोद बराई की रस्म में मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी औरतों के फंक्शन में मर्दों का क्या काम? मुझे पता था, अल्टीमेटली सारे मर्द ऐसे काम अपनी बीवियों के सर पर डाल देते हैं ये कहकर कि ये औरतों का मामला है। क्या कहा तुमने? वही कि सारे मर्द ऐसे काम अपनी बीवियों के सर पर डाल देते हैं यही कहकर कि ये औरतों का मामला है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, ठीक ही कहा तुमने। बहनों, मिस्टर दीनानाथ जी ने जो बेसहारा अबलाओं के लिए किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं मिस्टर दीनानाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने कर कमलों द्वारा इस नए नारी केंद्र का उद्घाटन करें। कर्नल, अंदर पूरा छान मारा, कोई बॉम्ब नहीं है। सर, आप दीनानाथ जी को समझाइए, पता नहीं बॉम्ब कहाँ छुपाया गया है और कब फटेगा। दीनानाथ जी को कुछ नहीं होगा शीना, बात तुम सिर्फ इंद्रनील पर नजर रखो, वो कोई हरकत ना कर सके। ठीक है सर। बहनों, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बहनों अपनी माओं के लिए किया। इसकी प्रेरणा मेरी धर्मपत्नी कमला देवी जी रही हैं। इस नारी निकेतन का उद्घाटन एक महिला द्वारा हो तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कमला देवी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस नए द्वार का फीता काटकर इसका उद्घाटन करें।
रुक जाइए कमला देवी जी। एक पुरुष महिला समाज के लिए कुछ करे तो एक मिसाल होती है। यह उद्घाटन दीनानाथ जी आप खुद करें तो अच्छा होगा। कर्नल जी ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस केंद्र के उद्घाटन का फंक्शन आप ही के हाथों से होना चाहिए। कमला, तुम एक छोटा सा फीता नहीं काट सकती? यह मामूली सा काम आप ही कर सकती है दीनानाथ जी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे कब आती है। दीनानाथ जी, रिबन काटिए। काटिए। मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मुझे आराम की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। रिबन काटिए। काटने के बाद तो आराम ही आराम है। मैं ये रिबन नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट सकते छोटा सा रिबन? अगर आपकी धर्मपत्नी काट सकती तो आप क्यों नहीं काट सकते? काटिए। आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। मैं ये फीता नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकते? सबको बताना होगा आप रिबन क्यों नहीं काट सकते। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं काट सकता। डोंट मूव मिस्टर दीनानाथ। रिबन काटिए। रिबन काटिए। नहीं। आई सेड रिबन काटिए, कट द रिबन। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं वो रिबन काटूंगा तो वो बम का ब्लास्ट हो जाएगा। ये ना? तो आपको पता था यह बम है और रिबन के काटते ही वो फट जाएगा, तो फिर आपने अपनी पत्नी कमला देवी को रिबन काटने के लिए क्यों कहा? क्यों? क्योंकि एक धमाके के साथ कमला देवी के चिथड़े उड़ जाएं तो
और आपको जनता की सहानुभूति की ऐसी लहर मिले जो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दे। सत्ता की वेदी पर आप अपनी पत्नी की बलि चढ़ाना चाहते थे। आप मुझे मुझे मारना चाहते थे? नहीं नहीं कम, ये झूठ है, ये सच है। आपका चेला इंद्रनील जिसे दादा कहता है वो आप है, और उसी एक शब्द ने मुझे बताया कि ये सारी प्लानिंग आपकी है। और मेरा माता ठनका कि आप खुद अपने ब्लास्ट की साजिश कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहां आने पर सारा मामला साफ हो गया। इंस्पेक्टर जादव, बम ब्लास्ट और अपनी पत्नी की हत्या करने की साजिश के जुर्म में आप नेता को गिरफ्तार नहीं करोगे? वाई नॉट? मिस्टर दीनानाथ, यू आर अंडर अरेस्ट। दीनानाथ जी, आप जैसे नेता अपने स्वार्थ के लिए अपने देश को भी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग गई, आप जैसे नेताओं का नामो निशान भी नहीं रहेगा।